हेलो मित्रों, जय माता दी। मित्रों, आज 9 सितंबर गुरुवार का दिन है। ऐसे में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, कुंभ राशि के लोगों को आज के दिन कौन से क्षेत्र में कार्य करने से ज्यादा सफलता, आपके मान सम्मान स्कृति में बढ़ोतरी हो सकेंगे, आप लोगों के जीवन में किस प्रकार से बड़ी खुशखबरी को पाया जा सकता है, किस प्रकार से दुखों तकलीफों और समस्याओं को दूर कर सकते हैं, आप लोगों के जीवन में आज के दिन लकी कलर लकी नंबर कौन सा रहेंगे, किस प्रकार के कार्य को करना आपके लिए बेहतर साबित होंगे, आप लोगों के जीवन की किस प्रकार से महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटित हो सकती हैं, किस प्रकार से दुखों तकलीफों और परेशानियों से भी आप लोगों को छुटकारा मिल सकेंगे, आप लोगों को बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। मित्रों, आप लोगों को इस समय बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति होंगे, कार्य क्षेत्र में भी आप लोगों को शुभ समाचारों की प्राप्ति हुए होने वाली है, आप लोगों के जीवन में आई हुई परेशानियां आप लोगों के जीवन में आई हुई समस्याएं और दुखों का अंत हो जाएंगे, कार्य क्षेत्र में भी बड़ी सफलता की प्राप्ति होंगे, आप लोगों के सोचे हुए ज्यादातर कार्य भी अवश्य पूरे होंगे। इस समय आप लोगों को सफलता की प्राप्ति होंगे, व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में भी शुभ समाचारों की प्राप्ति होंगे और आप लोगों का दैनिक दिनचर्या भी काफी अच्छे होंगे, आप लोगों की किस्मत भी आप लोगों का साथ देंगे, आपके कुछ अच्छे कार्य को लिए करने के लिए तैयार रहने होंगे जिन्हें कि आप करके बहुत ही अच्छा महसूस कर सकोगे, आपकी आर्थिक स्थितियां अच्छी होंगे, कार्य क्षेत्र में भी आप लोगों को सफलता मिलेंगे, घर परिवार में आप लोगों का ताजा फूल भी अपने स्वभाव में ताजगी लाएगा, ऑफिस का जो भी काम आपने किया है उन सभी का श्रेय किसी और को जाने ना दें, आप लोगों को इस समय सारे के सारे कार्य को बहुत ही समझदारी और विशेष होशियारी के साथ करने होंगे, आप लोगों के बॉस आप लोगों के साथ बहुत ही बड़े छल कपट कर सकते हैं, परंतु आप लोगों की बुद्धिमानी आप लोगों के जीवन में होशियारी आप लोगों के सारे के साथ कार्य को करने में आप लोगों का सहयोग देंगे, आज के दिन आप लोगों को मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होंगे, पिछले कुछ समय से किए गए प्रयासों का फल भी आपको मिल सकेंगे, आप अपने भूमिकाओं का नेतृत्व कर सकोगे और कुछ नए मौके भी मिलेंगे जो आप लोगों की आर्थिक लाभ की प्राप्ति होंगे, पुरानी चिंताओं को भूल कर आगे बढ़ने की कोशिश करें, आप लोगों को किसी भी समस्याओं पर घबराने की बजाय आप लोगों को अपनों की सलाह लेने की जरूरत होंगे, दाम्पत्य जीवन भी आप लोगों का हल्की सी नोकझोंक होने के बावजूद भी आप लोगों के जीवन में बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति करवाएंगे, आप लोगों के मन में बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होंगे, आप लोगों का इस समय आकर्षक स्वभाव दूसरों को और ध्यान आकर्षित कर सकता है, अगर आपने कोई भी जमीन जायदाद की खरीदारी करना चाह रहे हैं तो आप लोगों के घर के सदस्यों से राय जरूर कर लें, आपको कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में भी बड़ी सफलता की प्राप्ति होंगे, साथ ही आप किसी बड़े वकील के पास जाकर राय को लेकर सकते हैं जो आप लोगों के लिए अच्छे साबित होंगे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करें, आप लोगों को तले भुने चीजों को खाने से बचने का प्रयास करने होंगे, कामकाजों के क्षेत्र में आप लोगों को सावधानी बरतनी होंगे, विरोधी भी आप लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, जरूरी कार्यों को दूसरों के भरोसे न छोड़ें, छोटे स्तर पर भी शुरू किया गया बिजनेस भी आपके लिए लाभकारी साबित होंगे, कोई भी काम आप अगर करते हैं चाहे वह कार्य छोटा हो बड़ा, आप किसी भी कार्य को करते समय बिल्कुल भी न शर्माएं, आपने जो भी लक्ष्यों को निर्धारित किया है उन सारे के सारे लक्ष्यों को पाने की अवश्य कोशिश करें, आप लोगों को इस समय बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति होंगे और काफी ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ सकती है, स्वास्थ्य भी आप लोगों का अच्छा होंगे, घर वालों के साथ आप कैसे गंभीर बातचीत में बात कर सकते हैं जिसमें कि आप अपनी राय दे सकते हैं, आप लोगों के मन में अध्यात्म से अधिक जुड़ाव होंगे, आपको घर परिवार में मांगलिक कार्य को करने का मौका भी प्राप्त होंगे और किसी पुराने दोस्तों से भी बात करना आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे, आपको अपने चारों ओर से होने वाले गतिविधियों का ध्यान रखने होंगे, आप लोगों के काम काजों का श्रेय कोई दूसरा ले जा सकता है, आप मानसिक रूप से काफी स्वस्थ होंगे और किसी नए कार्य को शुरू करने के लिए आप लोगों के मन में अनेकों विचार उत्पन्न होंगे, लिमिट के लिए आज का दिन बहुत ही खुशी से भरा रहेंगे, आपको कहें रुके हुए पैसे भी प्राप्त होंगे, आप लोगों के मन में ऊर्जा का भाव भी रहेंगे, बिजनेस कर रहे जातकों को भी बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में बड़ी सफलता की प्राप्ति होंगे, लाभकारी
स्थितियों का निर्माण होंगे। घर बनाने का सपना, वाहन लेने का सपना और किसी नई जगह नई प्रॉपर्टी में निवेश करने का सपना भी आप लोगों का साकार हो जाएंगे। आप लोगों को जीवन की बहुत ही बड़े खुशखबरी भी प्राप्त होने वाली हैं। घर परिवार के लिए आनंद का माहौल रहेंगे और नौकरी पेशे वाले जातकों को भी नौकरी के क्षेत्र में बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति होंगे। आप लोगों को पदोन्नति की प्राप्ति होंगे। आप लोगों के जीवन में आई भी सारी की सारी मुसीबतों को भी आसानी से दूर कर सकते हैं। बड़ी खुशखबरी को आसानी से प्राप्त कर सकोगे जो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेंगे। बहुत ही बेहतरीन कार्य को कर सकते हैं। आपका दिन बेहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय मां विंध्यवासिनी।